देखिए जब से प्रोजेक्ट की कहानी को लेकर लीक्स आई थी ना, तो भाई हम ये सोच रहे थे ये स्टोरी कमाल होने वाली है। यहाँ पे आप कल्कि को दिखाया जाएगा, कलयुग को दिखाया जाएगा और इसमें टाइम ट्रेवल दिखाया जाएगा, क्योंकि समय चक्र बताया गया है। अब देखो इस कॉन्सेप्ट अगर मूवी बनाई जाना है तो खूब बेहतरीन बन सकती है, 1-2-3 पार्ट में बन सकती है। मगर उन्होंने दिल यहाँ तब तोड़ दिया जब इन्होंने प्रभास का पहला ग्लिम्स या फर्स्ट लुक रिवील किया। हाँ, दीपिका पादुकोण का भी रिलीज किया था, जो कि उसको ग्लिम्स नहीं बोलना चाहिए, बस उसे फोटो बोलना चाहिए, वो तो हम देखते ही आ रहे थे। मगर इसके अंदर इन्होंने दिल यहाँ पे तोड़ दिया भाई, इससे बिल्कुल भी इमोशन कनेक्ट नहीं होता। यहाँ पे ऐसा लगता है कि प्रभास की बॉडी को काट के चिपका दिया गया है, बॉडी क्या शकल को ही काट के चिपका दिया गया है। पीछे का बैकग्राउंड, उनकी बॉडी और स्ट्रक्चर कहीं मैच नहीं खा रहे। लोग इसे बोल रहे कि आयरन मैन से कॉपी है, ये हॉलीवुड के और कहीं पोस्टर से कॉपी किया गया है। देखिए जब आपकी इतनी बेइज्जती हो जाए तो आपको कुछ सोच लेना चाहिए। मेरे को लगता है कि प्रभास का अलग ही स्टार्डम चल रहा है, या तो उन तक वो फीडबैक लोग पहुंचने नहीं दे रहे, या प्रभास जाने क्या ही स्टोरी सुन रहे और क्या ही जाने किन लोगों की बात सुन के ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट उठा रहे हैं। देखिए अगर आप इस तरह से प्रोजेक्ट उठाओगे और ऐसा काम करोगे तो सोच लीजिए, बस आप ना सिर्फ ऐसे राजामौली की वजह से फेमस हुए, आप अपनी वजह से फेमस नहीं हुए, आपका टैलेंट कहीं दिख नहीं रहा। बात करें दोस्तों आपको ढालने वाला, आपको सांचे में ढालने वाला सिर्फ एक डायरेक्टर ही होता है, जो कि हमको देखने को मिल चुका है और एक बार नहीं कई बार देखने को मिला है। जहाँ पे अगर बात करें लास्ट की जो 3 मूवी आई है टी सीरीज ने, इनके ऊपर बहुत दिल खुल के खर्च किया है और दोस्तों बड़ी से बड़ी मूवी दी है, पर वो बड़ी सिर्फ पैसों में है और बस कहानियों के ऊपर, जो कि उनको सही से अडेप्ट भी नहीं कर पाए और सबसे घटिया वर्स्ट मूवी इनकी साबित हुई है। अब आप सोच सकते हो अगर उन्होंने कुछ बढ़िया नहीं दिया, हम मान सकते हैं कि सालार मूवी इनकी आ रही है और उससे थोड़ा बहुत उनका हाइप बन जाएगा, बिल्ड हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्टर का नाम बताने की जरूरत नहीं है, कौन है, कौन बनाने वाला है और उसमें क्या देखने को मिलने वाला है, ये सब आपको बताने की जरूरत नहीं है। मगर देखिए अब कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा इस प्रभास को। देखिए हम इसको ऐसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते, वरना दोस्तों अब बात रही ना, अगर ये मूवी हमें धोखा देती है ना कि बताया जा रहा है कि ये इंडियन सिनेमा का ये लुक बदल देगी, हमें कुछ अलग देखने को मिलेगा, लगता नहीं कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। मगर नाग अश्विन डायरेक्टर को पर हमें पूरा विश्वास है कि हमें कुछ और देखने को मिल जाए, जिस तरह से उन्होंने अपनी कहानी लिखी है और जिस तरह से वो बता रहे हैं कि ये विष्णु के ऊपर बेस होने वाली है, तो भाई साहब ग्रैंड लेवल, महाभारत से लेकर कलयुग तक और बाकी सब युग को जिस तरह से इसमें अगर वो बताने की बात कर रहे हैं ना, कसम से मजा आ जाएगा। और देखिए ये बात यहीं पर नहीं रुकती, जहाँ पे बता रहे हैं कि ये मूवी हमारे देश को रिप्रेजेंट करेगी सैन डिएगो कॉमिक कॉन के अंदर, जो कि एक अच्छा खासा स्टैंड लेगी, जहाँ पे हमें ग्लिम्स या कुछ भी छोटा मोटा कुछ भी देखने को मिल सकता है। क्या पता उस चीज़ से हम सबके मुंह बंद हो जाए, हम जब तक इस पोस्टर पे इतना रिएक्ट करें, इतना रोस्ट करें, क्या तो वो कुछ और ही प्लानिंग कर रहे हो। दोस्तों उनको अगर आदि पुरुष से फीडबैक नहीं मिला ना, तो सबसे बड़ी गलती होगी उनकी। जहाँ पे इसका बजट 600 करोड़ बताया जा रहा है, कैमरा खतरनाक बताया जा रहा है, इसका VFX खतरनाक बताया जा रहा है, साथ ही में इसकी कास्टिंग ऐसे बताई जा रही है कि आपने ऐसी कास्टिंग देखी नहीं होगी। अब देखते हो दोस्तों ये क्या मिक्स मसाला लेके आने वाले हैं हमारे लिए। वैसे अगर दोस्तों आप बस इतना पूछो ना, फर्स्ट लुक बिल्कुल अच्छा नहीं है भाई साहब, मेरा तो दिल टूट गया। मैं कितना इसमें विश्वास रखूं कि हमें कुछ बढ़िया देखने को मिलने वाला है। ये मूवी हमको 3D के साथ कुछ अलग फील देगी और इंडिया को अलग तरह से रिप्रेजेंट करेगी। वैसे आदि पुरुष ने भी करा, उस पर तो बात करना ही बेकार, उसको तो बैन कर देना चाहिए। वैसे दोस्तों अगर आपने पोस्टर देखा है और आप ये ग्लिम्स के बाद देख रहे हो सैन डिएगो कॉमिक कॉन का, अगर ये वीडियो देख रहे हो, आप अपना फीडबैक जरूर बताइए नीचे कमेंट में और आपसे हम मिलते रहेंगे ऐसी वीडियोस के थ्रू। और देखिए आप अगर हमें इंस्टा पर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए और आप मुझे पुरानी वीडियो पर भी चेकआउट कर सकते हो। फिर दोबारा मिलेंगे एक नई वीडियो के अंदर।